अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मोमिन गुड फॉर्म। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, आज शनिश्चर का दिन है और आज हम देवनार बकरा मंडी में। दोस्तों, बकरे आए हैं, गाड़ी अभी मैं अभी थोड़ा लेट हो गया और ना गाड़ी सब अभी थोड़ा कम है, बाकी इंशाल्लाह शायद पहले उतरी हो ज़्यादा गाड़ी, तो जो भी है दिखाएगी इंशाल्लाह देवनार मंडी में। बाकी ये तरफ मैं कोटा का माल खड़ा था दोस्तों, तो दिखा दूं मैं ये। आप धक्के से जब एंटर करोगे दोस्तों तो सामने ही ये मैदान रहता है, ये खुला, ये खुले मैदान में बकरे छोड़ते हैं लाके, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था आप लोगों को। ये बकरे देखिए आप लोग, कोटा के बकरे, इसमें बच्चे है, बड़े बकरे भी है दोस्तों, इसमें सब अभी ताज़ा माल है दोस्तों, सब थकान में, ठंडी में, हवा चल रही है ठंडी, तो वही सब से सब बाल खड़े करके बैठे। एक ये बच्चा बहुत अच्छा है, खुले कान में, और भी बकरे हैं दोस्तों, सब बैठे हैं, ज़्यादा अंदर जा नहीं सकता, बकरे एक ही जन संभालता है। इस तरफ में एक जन को बिठा देते बकरे खुले छोड़ के, फिर बकरे इधर उधर होते तो थोड़ा चिल्लाते वो लोग, वही सब से हम लोग अंदर नहीं जा सकते। जो भी बाहर से दिखा रहा हो दोस्तों, समझ में आ रहे होंगे आपको बकरे, तो आइए आगे भी चलते हैं और क्या क्या है देखेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, जैसे कि ठंडी का टाइम शुरू हो गया है और देवनार मंडी में फिर सोजत का माल भी आना शुरू हो जाता है, बाकी ये सोजत का ही माल है दोस्तों। लास्ट टाइम भी इस तरफ में एक सोजत का माल खड़ा था, उसमें बकरा था और बच्चे भी थे, बड़ा बकरा था, इसमें तो बच्चे ही दिख रहे ज़्यादातर, बड़ा बकरा नहीं है। जो भी ये दिखाऊँगा इंशाल्लाह, ये देखिए कि बच्चा है, बस ठंडी के जैसे बकरे थोड़े बोलते ना कुड़ुक होके खड़े, बाकी बच्चे देखेंगे तो अच्छे है, मेंढे वगैरह भी लाए हुए। देखिए बकरिया है, बकरे हैं, एक ये मुंडा सोजत है दोस्तों, शायद अदंत है, अच्छा बच्चा है, पेटी उटी वगैरह बहुत अच्छी है, बड़ी पेटी का लंबा बच्चा है, हाइट भी है सही है, 34-35 हाइट होगी, अच्छा है बच्चा है, चेहरे वगैरह थोड़ा लंबे फेस में, अगर कोई पालने वाला इंटरेस्ट हो तो अच्छी चीज़ है दोस्तों। बस मैं यही बोलता हूँ हमेशा दोस्तों, जब आप लेते हो तो चेक करके हर चीज़ प्रॉपरली फिर लीजिए। यहाँ पे भी दोस्तों सोजत का ही माल है, पीछे साइड में थोड़ा सोजत का ही माल देखने मिलेगा आप लोगों को। इधर पे बकरिया है, एक ये बच्चा देख सकते हो आप लोग, अच्छे चेहरे में, गोल चेहरे में, एक वो पीछे से आ रहा है, वो भी एक पार्ट है दोस्तों, नहीं बकरा है दोस्तों, अच्छा बकरा है, एक वहाँ से आ रहा है सोजत में, एक वो बड़ी बकरी है दोस्तों, अच्छी बकरी है, बड़े थन की बकरी है, बड़े फ्रेम की बकरी है दोस्तों। दोस्तों, ये पूरे माल में ये बच्चा अलग है, शाइनिंग क्वालिटी में वाइट बच्चा है, एकदम पतली बोलते ना पतली चमड़ी के बच्चे होते हैं जो एकदम शाइनिंग स्किन वाले। देखिए अब पूरे बालों में, पूरे बाल में जो दिख रही है ना शाइन दोस्तों, बहुत अच्छी शाइन में बच्चा ये, अंदर जा नहीं सकता, बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, चेहरा वगैरह भी बहुत अच्छा है। पूरे माल में मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा यही बच्चा लगा, बाकी आपको क्या पसंद आता है आप लोग कमेंट में बताएं। तो चलिए आगे और क्या क्या देखते हैं। और एक ये वाइट बच्चा भी है दोस्तों, इसमें मैं अभी निकला बाहर तो दिखा, थोड़ा कान से मार खा गया, लेकिन बच्चा पूरा गुलाबी है। अभी ये छोटे में नहीं समझते, बहुत अच्छी क्वालिटी में दोस्तों, फुल वाइट बच्चा है, फुल वाइट है, देख सकते हो आप लोग। एक गवाल रहता है और बकरे इधर से उधर होते रहते, तो भागना दौड़ना पड़ता है उनको भी, फिर दूसरे गवाल को बुला के थोड़ा वो कर रहे हैं, वरना बकरे मिक्स हो जाएंगे उधर के और इधर के। बाकी दोस्तों इसमें भी अच्छे बच्चे हैं, ज़्यादा अंदर जाके दिखा नहीं सकता, लेकिन बच्चे अच्छे हैं दोस्तों ये माल में, तो कोई लेना चाहे तो धक्के से आप इस तरफ में कोने में आना पड़ेगा थोड़ा आपको सामने से, जैसे धक्के से आप एंटर करोगे देवनार के अंदर, तो राइट हैंड पे
आपको दिख जाएगी या फिर ये सब बन जाएगी उस टाइम तक। तो 10, अभी ये समझ लीजिए 1 घंटा रह गया यहाँ पे मुश्किल से, फिर ये बकरे चले आएंगे धक्के अपना कहते जहाँ पे इनको बांधा जाएगा अक्कर पे, वहाँ पे ले जाया जाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी ये बकरे। बाकी कौन से व्यापारी के ये आइडिया नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को इसमें से बकरे, बाकी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वो वाइट बच्चा और एक वो स्किन शाइनिंग स्किन वाला बच्चा बहुत अच्छा है दोस्तों। इस तरफ में भी आया था, ये ज़्यादा पीछे है दोस्तों, ये थोड़ा अंदर साइड में बकरे दिखे तो मैं इस तरफ आया, कोटा का माल है। बकरे ला के इन सब जगहों पे छोड़ दिए जाते ताकि इन लोगों को थोड़ा आराम मिल सके, थोड़ा घूम सके फिर सके, थकान भी मिट जाती है दोस्तों इसमें बच्चों की, तो खा पी लेते अच्छे से। बाकी ये देखिए कोटा का एक ये बकरा, एक ये देखिए शुरू ही है। अगर दाती में चाहिए तो शायद ये दाती होएगा, हकीके के लिए कम रेट में वही सबसे इसमें भी मिल जाएगा आप लोगों को माल। ये एक वाइट कोटा है, दोस्तों ये बकरे देख सकते हो आप लोग, 42 हाइट के कोटा बकरे है माशाल्लाह। पहला वाला बकरा देखिए और ये दूसरा वाला बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये दोनों बिककर आए हुए बाहर से माशाल्लाह, जिस किसी भाई ने भी लिया बहुत ही शानदार चीज़ है दोस्तों, क्योंकि नहीं नहीं बोल के दोस्तों 90 किलो के आसपास ये बकरा रहेगा और इंशाल्लाह ऊपर भी हो सकता है, बाकी मैं एक अंदाजन बता रहा हूँ। लेकिन बकरा देखिए क्वालिटी, घूमो जरा उधर, 100 किलो होगा दोस्तों। बकरी की क्वालिटी देखिए, चेहरा दिखाओ जरा इसका, माशाल्लाह दोस्तों क्वालिटी देख सकते हो आप लोग। बाहर से बिककर आए दोस्तों ये दोनों बकरे, गाड़ी में आए देवनार की। बहुत से लोग समझते हैं कि देवनार में बकरे आते, नहीं आते दोस्तों, ये सब बिककर आते हैं बाहर से। एक ये बच्चे के सिंग देखिए, चेहरा सिक्के देखिए आप लोग, बड़े चेहरे का बच्चे है दोस्तों दोनों ही। अलग ही लेवल के बच्चे दोस्तों, अच्छी चीज़ है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है दोस्तों। अभी कोटा के तरफ में आया था तो ये बकरे देखने मिले अजमेर के, माशाल्लाह बहुत अच्छा शिरोई है, अजमेरा है। और एक ये देख सकते हो, ये भी गुजरी में ही बोला जाएगा, रेयर कलर बोला जाएगा दोस्तों, क्योंकि कलर बहुत कम देखने मिलते हैं फीके में। स्पॉट देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में, चेहरा वगैरह भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों इसके दांत ही नहीं अच्छी, दांत बोलते ना जो अदंत पे भी दांत रहते बारीक, वो दांत भी नहीं इसके इसमें, तो मैं बता नहीं सकता आपको, 2 दांत है 4 दांत है। बाकी अच्छी चीज़ है दोस्तों, अगर हकीकी के लिए या कोई चीज़ के लिए चाहिए तो अच्छी चीज़ है, कटिंग पर्पज़ के लिए। ये भी कोटा का माल है, ये बकरी है दोस्तों। अच्छे कान थे दोस्तों इसके, बाकी चेहरा वगैरह इतना कुछ खास नहीं है, पूरे दांत पर है। आज दोस्तों कोटा की बहुत से बहुत 3 गाड़ी आई है, पर माल ज़्यादा है कोटा में भी और देखने लायक का है, अच्छे बच्चे। लेकिन कोटा का सीज़न ख़त्म होने की वजह से कोटा माल अभी कम हो रहा है, क्योंकि जो लाते हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि कोटा का माल अभी जंगल में नहीं मिल रहा है, कारोली तो ना के बराबर ही है, फिर भी माल जो मिल रहा है ला रहे, और बोले शायद अगले हफ्ते से वो भी ना मिले, तो लोग शायद मंडी से ही बाहर से खरीद के ला रहे हैं व्यापारी लोग। देखिए आप लोग बीच में लंबे लंबे कान के कोटा देखने मिल रहे थे, अभी सब छोटे कान में, एक ये बच्चा है लंबे कान में माशाल्लाह। ये दोस्तों पार्ट है, अच्छी पार्ट है, अगर कोई लेना चाहे तो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। चेहरा वगैरह भी बहुत अच्छा है, कान भी अच्छे, सिक्के भी प्रॉपर है। दोस्तों ये सब सिंधी का माल है, एक ये कोटा है दोस्तों, ये कोटा का माल है।
छोटे कानों में दोस्तों, पर चेहरा वगैरह बहुत अच्छा है। अच्छे बकरे कोटा के ये तरफ में, बड़े बकरे दोस्तों, 34-35 हाइट, 36 हाइट के भी इसमें है। एक ये बच्चा देखिए, इसका चेहरा दिखा दूँ। अच्छे चेहरे में सिक्के आउट है थोड़े, बाकी चीज़ अच्छी है दोस्तों। दोस्तों ये सब अजमेर का, इस तरफ में भी थोड़ा बहुत अजमेर है, देखिए। क्वालिटी देखिए दोस्तों, सिंधी की, सिंधी बकरा है दोस्तों। चेहरे पे पफ वगैरह देखिए आप लोग, माशाल्लाह। फुल फर्री हेयर में दोस्तों, पूरे बालों से भरा हुआ बच्चा है। चेहरा पफ बहुत अच्छा है, गला पट्टी नहीं है दोस्तों इतनी, बाकी दोस्तों चीज़ बहुत अच्छी है। और दोस्तों ये अभी चार दांत कर रहा है, अच्छा बच्चा है, मगर हाइट लेंथ नहीं है। कटिंग पर्पस के लिए अगर किसी को चाहिए तो अच्छी चीज़ है दोस्तों। दोस्तों मैं अभी सिंधी के माल की तरफ हूँ, सिंधी का एंड बाड़ा। सिंधी का भी माल आज है नहीं इतना, वरना मैं आप लोगों को चलते चलते दिखा देता था। मगर ये बकरा मैंने देखा, तो ये बकरा दोस्तों मैंने आपको याद होगा, पिछले सनिचर में ये बकरा मैंने दिखाया था। ये तीसरी मंडी है, सनिचर ट्यूसडे और फिर से सनिचर में बकरा खड़ा है। पिछले हफ्ते भी खड़ा था, लेकिन वीडियो एंड हो गई थी, वही सबसे बकरा दिखाया नहीं। तो दोस्तों ये बकरा अभी अब की मंडी में भी खड़ा है, और इसका व्यापारी अभी भी 17,000-18,000 फाइनल दाम ही कर रहा है दोस्तों। बाकी ये चीज़ अच्छी थी, पालने लायक का था दोस्तों। एक्जोटिक में था, चार दांत पर है, मैं बता दूं आपको फिर से, बकरा चार दांत पर है। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बच्चा अभी भी अवेलेबल है, देवनार में ही है। बाकी रेट आपको अपने हिसाब से लेना होगा। चीज़ अच्छी है दोस्तों, बाल वाल बहुत अच्छे हैं इसके, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और एक ये बड़ा बकरा आया है दोस्तों, खस्सी है मेरे ख्याल से, अच्छा बच्चा है दोस्तों। शायद दोस्तों दो दांत पर ये बकरा है, तकरीबन 60 किलो के आसपास होगा वजन, 55-60 किलो। लेकिन बकरा देखिए आप, क्वालिटी देखिए, सोजत है, खस्सी है, अंडूल है दोस्तों, अच्छे वेट पर है, अंडूली है। बाकी इसकी रीज़न बता दूं मैं, देवनार में आने की, इतनी अच्छी चीज़ क्यों आई है देवनार में आप लोगों के सामने दोस्तों, पूरे पैर टेढ़े आगे के। शायद ये पैदाइशी है या कोई रीज़न से हो गए, वो आइडिया नहीं है। बाकी बकरा देखिए आप लोग, बहुत से लोग सोचते हैं अच्छी चीज़ आई है देवनार में, लेकिन आने की वजह भी देखिए, पूरे पैर टेढ़े हो गए दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ये दिखाने का मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोग आते हो देवनार से, परचेस करते हो, बहुत से भाई लोग हमारे, लेकिन चेक करके नहीं ले जाते, उसके वजह से बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों अभी अजमेर की तरफ में बाड़ों पे तो बकरे नहीं थे, तो इधर पे आया था पीछे, तो इधर ही पूरे बकरे देखने मिले। अजमेर का माल इधर है दोस्तों। अभी ये सब थोड़े टाइम के बाद खा पी के, फिर थोड़ा टाइम होएगा तो इनको लेके जाया जाएगा। बाकी आज माल कम है सनिचर के मुकाबले में, आज माल कम है, वो हिसाब से सब आराम आराम से चल रहा है। बाकी बकरे देखिए आप लोग, अजमेर में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, पालने लायक के बच्चे आते हैं। चेहरा देखिए, बकरी है दोस्तों, और ये सब बकरे हैं, बकरी सब आते हैं दोस्तों इधर। अगर कोई पालने के हिसाब से सेटअप करता है अजमेर का, तो दोस्तों बकरी भी अच्छी आती है देवनार में, और बकरे भी आते हैं। बस आप चेक करके हर चीज़ देख दिखा के लीजिए दोस्तों। ये बच्चा भी बहुत अच्छा है। इस तरफ में भी दोस्तों, पीछे तरफ में भी अजमेरी है देखिए, एक ये गुलाबी है, गुलाबी बच्चा है दोस्तों। गुजरी ही बोला जाएगा क्योंकि पैचेस है सर पे गुजरी के, बाकी बच्चा बहुत अच्छा है। देखिए अजमेर का ही माल है दोस्तों, सब बकरे देखिए सब खा रहे दोस्तों, देख सकते हो सब बकरे अभी खिलाया जा रहा है हरी पत्ती इन लोगों को। फिर थोड़े टाइम के बाद व्यापारी जब धक्के अक्कर पे आएगा, तो वो हिसाब से बकरे यहाँ से लेके जाया जाएंगे। गवाली होते दोस्तों यहाँ पे भी बकरे संभालते, व्यापारी नहीं आते, व्यापारी अक्कर पे रहते, फिर ये बकरे भरने के बाद दलाल के हाथ में जाते, फिर दलाल खंडी बेचता है, और सिंगल बकरे व्यापारी ही बेचता है दोस्तों अजमेर में। और रेट तो आप लोगों को मालूम ही होगा, बहुत हाई रहता है अजमेर का। देवनार में आप आइए, आप, हम तो बोलेंगे दोस्तों आप लोग आए लाइव आके देखे रेट क्या रेट चलता है देवनार में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि देवनार का रेट क्या है। आप, मैं तो बोलूँगा दोस्तों जंगल सस्ता है देवनार के हिसाब से, क्योंकि देवनार में रेट कुछ भी मंगा जाता है, एक हिसाब से जंगल से रेट में आपको सस्ता मिल जाएगा जंगल से, पर देवनार में आने के बाद बकरे का रेट बेहिसाब मांग लेते लोग। चीज़ नहीं देखते दोस्तों, क्वालिटी नहीं देखते, बस बोलते कि जंगल से बिक रहा है बकरा, यहाँ पर भी ये रेट में बिकेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बाकी एक ये बकरी देखिए,
अच्छी है माशाल्लाह, बड़े फ्रेम की है। आज मैं अब मक्का चीना में क्वालिटी देखिए दोस्तों, अच्छी बकरी है। एक ये कलर देखिए थोड़ा अलग है दोस्तों। आज इतना माल था नहीं और वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है। बाकी जितना भी अच्छा दिखा, बिक कर आया माल था वो भी दिखाए आप लोगों को दोस्तों, अच्छी क्वालिटी में बकरे। बाकी एक ये देखिए दोस्तों, चेहरा देखिए दोस्तों, पूरा बोलते ना छाले इतने मुँह पे आ गए, FMD बोला जाएगा दोस्तों इसको, FMD में पूरा बकरा, पैर से भी चेहरे पे भी पूरे खून निकल रहा है दोस्तों उसके। देखिए बकरा और मार मार के उसको मक्खी परेशान करती है, वही सबसे और तकलीफ में बच्चा। तो मैं तो एक ही चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आप लेते हो तो देखिए बकरा कैसा चीज़ है, और उसके माल में भी आप देखिए कि उसके माल में कोई बकरा ऐसा तो नहीं है FMD में, क्योंकि एक बकरे से देखिए ये बकरा भी वैसी है, पूरे चेहरे पे पूरे पूरा आया हुआ है। देखिए इसमें दो तीन बकरे ऐसे देखने मिले, तो बता रहा हूँ दोस्तों आप आओगे चेक करके लीजिए, क्योंकि बकरे एक ही इसमें पानी पीते हैं, तो पानी के इससे दूसरे बकरों को भी इन्फेक्ट होते हैं उससे। तो आप लोग दोस्तों चेक करके लीजिए, और एक दूसरे के ऊपर बदन पे भी मुँह रगड़ते खुजली के, जिससे तो उनको भी तकलीफ़ हो जाती है हर चीज़ों में। तो आइए आप लोग देख के लीजिए दोस्तों बकरे, बस इतना ही बोलूँगा। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिलती रहे। इंशाल्लाह कल्याण पिछले हफ्ते जुमेरात को कल्याण कवर किया था, तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे जाके आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। इंशाल्लाह वहाँ पे भी अच्छे बकरे थे और देवनार से हिसाब के रेट में वहाँ बकरे देखने मिले थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।